नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो आपको मेरे पहले लेक्चर की याद होगी, अब मैं फिर से आपके लेक्चर के सेकंड पार्ट से, ग्रुप थ्योरी के सेकंड पार्ट से आपको अवगत कराने के लिए यहाँ पर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और याद करिए, हमने पहले पार्ट में एक एग्जाम्पल के साथ में हमने अपने उस पार्ट को ख़त्म किया था, और मैंने आपसे कहा था कि घर में जाकर आप इस एग्जाम्पल को वर्कआउट करेंगे। और मुझे ये लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने उस एग्जाम्पल को वर्कआउट कर दिया होगा। वो कौन सा एग्जाम्पल था मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, जो लास्ट में हमने इस हमने इस सेट को की बात की थी, जो कि 2x2 मैट्रिसेस का सेट है, जिसमें ABCD ये रियल नंबर्स हैं, और साथ में एक खासियत है, ये उन मैट्रिसेस का सेट है जिनकी डिटरमिनेंट्स नॉन जीरो है। और आपने देखा कि ये सेट 2x2 मैट्रिसेस का रियल नंबर से बना हुआ ये सेट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ में ग्रुप बनाता है, ग्रुप फॉर्म करता है। तो आपने फिर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा जरूर कि क्या हम यही काम 3x3 की मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं, 4x4 की मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, आंसर ये यस हम कर सकते हैं। आप इस नोटेशन का यूज कर सकते हैं, MNR। MNR means n क्रॉस n की मैट्रिसेस। ये देखिए, यहां पर AIJ रियल नंबर है, जहां पर आई और जे 1 और एन के बीच के सारे नंबर्स हैं। और साथ में याद रखिए, यहां पर भी वही बात है, 2x2 मैट्रिसेस में यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये जो था ये AD-BC है, ये AD-BC है नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये डिटरमिनेंट था इस मैट्रिसेस का। AIJ, अब हम डिटरमिनेंट को इसको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम ऐसे लिख देते हैं, ये डिटरमिनेंट है किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और फिर से ये आप देखेंगे कि MNR मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाता है। पहले वाला एग्जाम्पल हमारा नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का एग्जाम्पल था, नॉन कम्यूटेटिव मतलब जिसमें कम्यूटेटिविटी फेल कर गई है। ये एग्जाम्पल भी नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप बहुत ही इजीली आप ऐसे दो मैट्रिसेस ढूंढ सकते हैं A और B, जिनके लिए AB बराबर नहीं होता है BA के,
ए और बी दो मैट्रिक्स ढूंढ सकते हैं जिनके लिए ए इंटू बी बराबर नहीं होगा बी इंटू ए के। तो ये भी नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का एग्जांपल है, नॉन कम्यूटेटिव। किसी किसी बुक में आपको ये नॉन अबेलियन के नाम पर मिलेगा। तो नॉन अबेलियन नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का एग्जांपल है। और याद करिए वहां मैंने इसको क्या नाम दिया था, आपको याद आ रहा है? मैंने इसे नाम दिया था जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू। वही बात हम यहां कह सकते हैं, इसका नाम है इसको, इस ग्रुप को, ये ऊपर लिखे हुए इस ग्रुप को हम डिनोट करते हैं जी एल एन आर से। जनरल, जी से जनरल है, लीनियर, जनरल लीनियर, जनरल लीनियर ग्रुप। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है। इसके महत्व को आप समझेंगे यदि आप में से कुछ बच्चे हायर फिजिक्स की लर्निंग में जब जाएंगे तो उन्हें उस दिन एहसास होगा कि फिजिक्स में इस ग्रुप का काफी प्रचुर मात्रा में यूज किया जाता है। हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बहुत बाद में बात करेंगे, थोड़ी बहुत एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, पर अभी आप ये समझिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप था, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अब आपने ये सब पढ़ते समय या पिछले मेरे लेक्चर को पढ़ते समय आपके दिमाग में कुछ प्रश्न उठे होंगे। सबसे बड़ा मूल क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या उठा होगा कि ये नॉन कम्यूटेटिव और कम्यूटेटिव ग्रुप में क्या कोई ऐसा अंक है जो बताए कि इसके पहले के ऑर्डर के सारे ग्रुप। हमने ग्रुप का ऑर्डर बताया था आपको, ग्रुप का ऑर्डर क्या बताया था याद करिए, हमने ग्रुप का ऑर्डर क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या बताया था याद आ रहा आपको, क्या बोला था हमने, इफ जी इज ए ग्रुप कंटेनिंग, समाया हुआ है उसमें कितने, इफ जी इज ए ग्रुप कंटेनिंग एन एलिमेंट्स देन इट इज एन एलिमेंट, जहां पर एन क्या है, एन कोई नेचुरल नंबर है, देन इट इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। जिसको हम कैसे दिखाते हैं, दिखाने के कई तरीके हैं ग्रुप में, ये कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, या कई लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, या कई लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, और ये एन होगा। ये नोटेशन है अलग अलग, आप यदि अलग अलग बुक पढ़ रहे हैं तो अलग अलग तरीके से नोटेशन यूज करते हैं, और कई लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, मॉड जी का साइन लगाते हैं, इसका मतलब भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। तो ध्यान रखिए आप जिस भी बुक को पढ़ रहे हैं उसमें कोई स्पेशल नोटेशन यूज किया गया होगा इसके लिए, तो इसमें ज्यादा आश्चर्य करने की या ज्यादा सोचने की बात नहीं है। सिंबल अलग अलग तरीके से यूज किया सकते हैं, सिंबल्स का भी अपनी अलग हिस्ट्री होती है, तो ये मेन चीज नहीं, मेन चीज ये है ये जानने की फाइनाइट ग्रुप क्या होता है। फाइनाइट ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और जिस ग्रुप में एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं होंगे तो नेचुरली इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। ए ग्रुप विच इज नॉट फाइनाइट, जो कि फाइनाइट नहीं है, ए ग्रुप विच इज नॉट फाइनाइट, वो ग्रुप जो फाइनाइट नहीं है, इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे, इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप की भी अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। फेट एंड थॉमसन जिनको आबिल प्राइज मिला हुआ है, उन्होंने सिंपल फाइनाइट ग्रुप के पूरा क्लासिफिकेशन करा जा चुका है। ये वर्षों की कई मैथमेटिशियन की कड़ी मेहनत के बाद में ये क्लासिफिकेशन हुआ है, हम इस पर बाद में आएंगे। इसके भी बड़े बड़े बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री कैसे
कैसी ग्रुप थ्योरी इवॉल्व हुई, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, कैसे नई नई प्रॉब्लम बनाई गई, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। पर अभी हमने ग्रुप का केवल एक बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन आपको बताया, किसमें ग्रुप में उनमें आने वाले एलिमेंट्स के नंबर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। जिसमें फाइनाइट नंबर होंगे उसको हमने फाइनाइट ग्रुप कहा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर होंगे उसको हमने इनफाइनाइट ग्रुप कहा। जरा ऊपर अपनी नजरें ऊपर करिए, क्या ये ग्रुप फाइनाइट है? क्या ये ग्रुप फाइनाइट है? आंसर है नहीं, ये दोनों ग्रुप इनफाइनाइट है। आपको अच्छे से पता है ए बी सी डी क्या है, ये रियल नंबर्स, और रियल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। केवल रेस्ट्रिक्शन आपने ये लगाया कि एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऐसे कंडीशन को फुलफिल करने वाले रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए दोनों ग्रुप जो मैंने बनाए हैं, ये दोनों ग्रुप जो मैंने बनाए हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये दोनों एग्जाम्पल हैं इनफाइनाइट। तो क्यों ना हम एक फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल भी दें आपको? सोचिए थोड़ा देर के लिए। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक नंबर पढ़ा हुआ है, नंबर का सेट याद आ रहा है आपको? कौन से नंबर का सेट पढ़ा हुआ है आपने? इंटरेस्टिंग नंबर का सेट कौन सा पढ़ा हुआ है? ये देखिए यहां पर मैं आपके लिए पहले इन नंबरों के बारे में आप जानते होंगे, हमने पहले भी बताया था आपको, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये मैं नया सेट ले रहा हूं एक, देखिए ध्यान से, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा क्या है? ओमेगा ओमेगा क्या है? वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। किसे याद आ रहा है इसमें? मेरे ख्याल से सभी को याद आ रहा होगा, ये वन की किसी भी नंबर के तीन क्यूब रूट होते हैं। कोई भी नंबर लीजिए, किसी भी नंबर के तीन क्यूब रूट होते हैं, हम उन क्यूब रूट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आपको पता है हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। जैसे वन के तीन क्यूब रूट कौन कौन से होंगे? वन का एक क्यूब रूट वन खुद होगा। क्यों? वन इंटू वन थ्री टाइम्स करेंगे वन आता है। एक क्यूब रूट होता है उसका ओमेगा, और नाम दिया उसका ओमेगा, और एक क्यूब रूट होता है ओमेगा स्क्वायर। अब आपके लिए एक वर्क है, मैं एक वर्क देखी जा रहा हूं, ये आपने कर चुके हैं छोटी, आप क्लासेस छोटी क्लासेस में कर चुके हैं 10th 11th में। क्या किया था याद करो, ये क्यूब रूट में एक खासियत है। क्या खासियत होती है क्यूब रूट की? यदि आप ओमेगा का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? वन आएगा। ये भी पढ़ा था आपने, याद करिए अपनी क्लासेस में पढ़ा था 11th तक में, क्या पढ़ा था? वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? जीरो। ये सारी बातें पढ़ी है ओमेगा के बारे में आपने। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं, हमारा इंटरेस्ट दूसरी बात में, क्या मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये तीन ऑब्जेक्ट वाला सेट क्या ग्रुप बनाता है? हमारा आंसर है यस। और देखिए कैसा ग्रुप बनाता है। तो यहां लगे हाथ, मैं इस ग्रुप को बनाते समय आपको ग्रुप टेबल के बारे में भी बता दूं। ये ग्रुप टेबल बना रहा हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन लिया है, इसको ग्रुप टेबल कहते हैं। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। वन से वन को मल्टीप्लाई करिए वन आएगा, वन से ओमेगा को मल्टीप्लाई करिए, किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा? फिर से ओमेगा आएगा। वन को फिर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा को वन से मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब कितना होता है? वन। आ गया वन। ओमेगा स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किया क्या आया? ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया क्या आया? ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या होता है? वन। जो वन आ गया। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? हाँ, देखिए ओमेगा फोर आया, ओमेगा टू द पावर फोर। पर ओमेगा टू द पावर फोर को कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। और ओमेगा क्यूब कितना होता है? वन।
तो ये क्या हो गया, वन इंटू ओमेगा, क्या हो गया है? इसको, इस टेबल को ग्रुप टेबल कहते हैं, ग्रुप टेबल कहते हैं। क्या खासियत है इस ग्रुप टेबल की, खासियत देखिए जरा सा। पहली रो में मैंने पहली जगह पर यहां पर वो साइन लगाया, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। मैंने सारे एलिमेंट लिखे हैं, वर्टिकल रो में भी मैंने सारे एलिमेंट लिखे हैं। अंदर क्या आ रहे हैं, अंदर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आता है रिजल्ट वो लिखा गया है। क्या इंपॉर्टेंट बात नोट की आपने इस ग्रुप टेबल की, जरा ध्यान से देखिए। जो हमने प्रोडक्ट के बाद में जो आता है वो कुछ नहीं आया, बल्कि वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के अंदर के ही नंबर आए, देख रहे हैं आप। दूसरी इंटरेस्टिंग बात नोट करिए जरा सा, अंदर किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही बहुत ही एक नेसेसरी कंडीशन है जज करने के लिए कि ग्रुप टेबल को देख के ही बता सकते हो ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए जरा सा, यहां देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है, देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं, देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, कैसे, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन आया, वन को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा आया, वन को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर आया। ये आइडेंटिटी एलिमेंट वन है। मैंने आपको इनवर्स भी बताया था, इनवर्स क्या बताया था, किसी एलिमेंट ए का इनवर्स बी है, यदि ए का इनवर्स बी है तो ए का इनवर्स यदि बी है तो ए इंटू बी इक्वल टू वन हो जाना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। जरा देखिए तो ओमेगा का इनवर्स कौन है, ओमेगा स्क्वायर। वन का इनवर्स क्या है, वन। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है, ओमेगा। हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। और आपने दूसरी बात क्या नोट की, किसी भी एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए आपको फिर से वही रिजल्ट मिलता है। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करिए, चाहे ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करिए, आंसर वही आता है। ये है कम्यूटेटिव, ये एग्जांपल है कम्यूटेटिव ग्रुप का। ये कम्यूटेटिव ग्रुप का एग्जांपल है, नंबर से लाया है एग्जांपल। अब थोड़ा सा आप फिर से एक क्वेश्चन पूछिए मुझसे, बड़ा अच्छा सा, कि सर ये तीन ऑर्डर का ग्रुप है, देखिए कितना ऑर्डर है इस ग्रुप का, ये एस मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अभी आपने मुझे बताया था किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं उसको ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है भाई, थ्री। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन फिर से आए होंगे, क्या थ्री ऑर्डर के हर ग्रुप कम्यूटेटिव होते हैं, क्या फोर ऑर्डर के हर ग्रुप कम्यूटेटिव होता है। आपने बताया ये ग्रुप तो इनफाइनाइट का है, क्या हर इनफाइनाइट ग्रुप नॉन कम्यूटेटिव होता है। इन सब के आंसर बहुत सोच समझ के देने की जरूरत है। हम इसका प्रूफ देंगे बाद में अपनी क्लास में, वो प्रूफ देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये फैक्ट ये है, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन टू थ्री फोर एंड फाइव, कोई भी ग्रुप उठाइए, यदि उसका ऑर्डर वन है मतलब उसमें केवल एक एलिमेंट है, यदि उसका ऑर्डर टू है उसमें केवल दो एलिमेंट है, यदि उसका ऑर्डर थ्री है उसमें केवल तीन एलिमेंट है, यदि उसका ऑर्डर फोर है इसका मतलब उसमें केवल चार एलिमेंट है, और यदि उसका ऑर्डर फाइव है, ये सारे के सारे ग्रुप कम्यूटेटिव होते हैं। एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन टू थ्री फोर एंड फाइव आर ऑलवेज, इज ऑलवेज। हाँ, अरे हाँ, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये जो था ये एडी माइनस बीसी है, सॉरी ये एडी माइनस बीसी है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये डिटरमिनेंट था इस मैट्रिसेस का। ए आई जे, अब हम डिटरमिनेंट को इसको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम ऐसे लिख देते हैं,
ये डिटरमिनेंट है किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और फिर से ये आप देखेंगे कि एम एन आर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाता है। पहले वाला एग्जाम्पल हमारा नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का एग्जाम्पल था। नॉन कम्यूटेटिव मतलब जिसमें कम्यूटेटिविटी फेल कर गई है। यह एग्जाम्पल भी नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप बहुत ही इजीली आप ऐसे दो मैट्रिसेस ढूंढ सकते हैं ए और बी, जिनके लिए ए बी बराबर नहीं होता है बी के। ए और बी दो मैट्रिक्स ढूंढ सकते हैं जिनके लिए ए इंटू बी बराबर नहीं होगा बी इंटू ए के। तो ये भी नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का एग्जाम्पल है, नॉन कम्यूटेटिव। किसी किसी बुक में आपको ये नॉन अबेलियन के नाम पर मिलेगा। तो नॉन अबेलियन नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का एग्जाम्पल है। और याद करिए वहां मैंने इसको क्या नाम दिया था, आपको याद आ रहा है, मैंने इसे नाम दिया था जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू। वही बात हम यहां कह सकते हैं, इसका नाम है इसको, इस ग्रुप को, ये ऊपर लिखे हुए इस ग्रुप को हम डिनोट करते हैं जी एल एन आर से। जनरल, जी से जनरल है, लीनियर, जनरल लीनियर, जनरल लीनियर ग्रुप। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है। इसके महत्व को आप समझेंगे यदि आप में से कुछ बच्चे हायर फिजिक्स की लर्निंग में जब जाएंगे तो उन्हें उस दिन एहसास होगा कि फिजिक्स में इस ग्रुप का काफी प्रचुर मात्रा में यूज किया जाता है। हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बहुत बाद में बात करेंगे, थोड़ी बहुत एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, पर अभी आप ये समझिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप था, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अब आपने ये सब पढ़ते समय या पिछले मेरे लेक्चर को पढ़ते समय आपके दिमाग में कुछ प्रश्न उठे होंगे। सबसे बड़ा मूल क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या उठा होगा कि ये नॉन कम्यूटेटिव और कम्यूटेटिव ग्रुप में क्या कोई ऐसा अंक है जो बताए कि इसके पहले के ऑर्डर के सारे ग्रुप, हमने ग्रुप का ऑर्डर बताया था आपको, ग्रुप का ऑर्डर क्या बताया था याद करिए, हमने ग्रुप का ऑर्डर क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर क्या बताया था याद आ रहा आपको, क्या बोला था हमने, इफ जी इज ए ग्रुप कंटेनिंग, समाया हुआ है उसमें कितने, इफ जी इज ए ग्रुप कंटेनिंग एन एलिमेंट्स देन इट इज एन एलिमेंट, जहां पर एन क्या है, एन कोई नेचुरल नंबर है, देन इट इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। जिसको हम कैसे दिखाते हैं, दिखाने के कई तरीके हैं ग्रुप में, ये कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, या कई लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, या कई लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप और ये एन होगा। ये नोटेशन है अलग अलग, आप यदि अलग अलग बुक पढ़ रहे हैं तो अलग अलग तरीके से नोटेशन यूज करते हैं, और कई लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, मॉड जी का साइन लगाते हैं, इसका मतलब भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। तो ध्यान रखिए आप जिस भी बुक को पढ़ रहे हैं उसमें कोई स्पेशल नोटेशन यूज किया गया होगा इसके लिए, तो इसमें ज्यादा आश्चर्य करने की या ज्यादा सोचने की बात नहीं है। सिंबल अलग अलग तरीके से यूज किए जा सकते हैं, सिंबल्स का भी अपनी अलग हिस्ट्री होती है, तो ये मेन चीज नहीं, मेन चीज ये है ये जानने की फाइनाइट ग्रुप क्या होता है। फाइनाइट ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और जिस ग्रुप में एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं होंगे तो नेचुरली इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। ए ग्रुप
विच इज नॉट फाइनाइट, जो कि फाइनाइट नहीं है. ए ग्रुप विच इज नॉट फाइनाइट, वो ग्रुप जो फाइनाइट नहीं है, इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे, इनफाइनाइट ग्रुप. फाइनाइट ग्रुप की भी अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. फेट एंड थॉमसन, जिनको आबिल प्राइज मिला हुआ है, उन्होंने सिंपल फाइनाइट ग्रुप के पूरा क्लासिफिकेशन करा जा चुका है. ये वर्षों की कई मैथमेटिशियन की कड़ी मेहनत के बाद में ये क्लासिफिकेशन हुआ है. हम इस पर बाद में आएंगे. इसके भी बड़े बड़े बड़ी बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं. हिस्ट्री कैसे कैसी ग्रुप थ्योरी इवॉल्व हुई, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, कैसे नई नई प्रॉब्लम बनाई गई, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया. पर अभी हमने ग्रुप का केवल एक बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन आपको बताया. किसमें? ग्रुप में उनमें आने वाले एलिमेंट्स के नंबर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन है. जिसमें फाइनाइट नंबर होंगे उसको हमने फाइनाइट ग्रुप कहा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर होंगे उसको हमने इनफाइनाइट ग्रुप कहा. जरा ऊपर अपनी नजरें ऊपर करिए, क्या ये ग्रुप फाइनाइट है? क्या ये ग्रुप फाइनाइट है? आंसर है नहीं. ये दोनों ग्रुप इनफाइनाइट है. आपको अच्छे से पता है ए बी सी डी क्या है, ये रियल नंबर्स, और रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट. केवल रेस्ट्रिक्शन आपने ये लगाया कि AD माइनस BC नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ऐसे कंडीशन को फुलफिल करने वाले रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं. इसीलिए दोनों ग्रुप जो मैंने बनाए हैं, ये दोनों ग्रुप जो मैंने बनाए हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये दोनों एग्जाम्पल हैं इनफाइनाइट. तो क्यों ना हम एक फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल भी दें आपको. सोचिए थोड़ा देर के लिए. आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक नंबर पढ़ा हुआ है, नंबर का सेट याद आ रहा है आपको? कौन से नंबर का सेट पढ़ा हुआ है आपने? इंटरेस्टिंग नंबर का सेट कौन सा पढ़ा हुआ है? ये देखिए, यहां पर मैं आपके लिए पहले इन नंबरों के बारे में आप जानते होंगे. हमने पहले भी बताया था आपको, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. ये मैं नया सेट ले रहा हूं एक. देखिए ध्यान से, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा क्या है, ओमेगा ओमेगा क्या है, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. किसे याद आ रहा है इसमें? मेरे ख्याल से सभी को याद आ रहा होगा. ये वन की किसी भी नंबर के 3 क्यूब रूट होते हैं. कोई भी नंबर लीजिए आप, किसी भी नंबर के 3 क्यूब रूट होते हैं. हम उन क्यूब रूट को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. आपको पता है हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है. जैसे 1 के 3 क्यूब रूट कौन कौन से होंगे? 1 का 1 क्यूब रूट 1 खुद होगा. क्यों? 1 into 1 into 1 3 टाइम्स करेंगे 1 आता है. 1 क्यूब रूट होता है उसका ओमेगा, और नाम दिया उसका ओमेगा, और 1 क्यूब रूट होता है ओमेगा स्क्वायर. अब आपके लिए एक वर्क है, मैं एक वर्क देखी जा रहा हूं. ये आपने कर चुके हैं, छोटी आप क्लासेस छोटी क्लासेस में कर चुके हैं 10th 11th में. क्या किया था याद करो. ये क्यूब रूट में खासियत है. क्या खासियत होती है क्यूब रूट की? यदि आप ओमेगा का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा. ये भी पढ़ा था आपने, याद करिए, अपनी क्लासेस में पढ़ा था 11th में. क्या पढ़ा था? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0. ये सारी बातें पढ़ी है ओमेगा के बारे में आपने. हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं, हमारा इंटरेस्ट दूसरी बात में. क्या मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये 3 ऑब्जेक्ट वाला सेट क्या ग्रुप बनाता है? हमारा आंसर है यस. और देखिए कैसा ग्रुप बनाता है. तो यहां लगे हाथ, मैं इस ग्रुप को बनाते समय आपको ग्रुप टेबल के बारे में भी बता दूं. ये ग्रुप टेबल बना रहा हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग. ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिया है, इसको ग्रुप टेबल कहते हैं. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. 1 से 1 को मल्टीप्लाई करिए, 1 आएगा. 1 से ओमेगा को मल्टीप्लाई करिए, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? फिर से ओमेगा आएगा. 1 को फिर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा. ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करिए,
ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होता है, वन। ओमेगा स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किया क्या आया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया क्या आया, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब क्या होता है, वन, ये वन आ गया। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, हाँ देखिए ओमेगा फोर आया, ओमेगा टू द पावर फोर। पर ओमेगा टू द पावर फोर को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब कितना होता है, वन, तो ये क्या हो गया, वन इंटू ओमेगा, यहां ओमेगा आया। इसको, इस टेबल को ग्रुप टेबल कहते हैं, ग्रुप टेबल कहते हैं। क्या खासियत है इस ग्रुप टेबल की, खासियत देखिए जरा सा, पहली रो में मैंने पहली जगह पर यहां पर वो साइन लगाया, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, मैंने सारे एलिमेंट लिखे हैं, वर्टिकल रो में भी मैंने सारे एलिमेंट लिखे हैं, अंदर क्या आ रहे हैं, अंदर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आता है रिजल्ट वो लिखा गया है। क्या इंपॉर्टेंट बात नोट की आपने इस ग्रुप टेबल की, जरा ध्यान से देखिए, जो हमने प्रोडक्ट के बाद में जो आता है वो कुछ नहीं आया बल्कि वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के अंदर के ही नंबर आए, देख रहे हैं आप। दूसरी इंटरेस्टिंग बात नोट करिए जरा सा, अंदर किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही बहुत ही एक नेसेसरी कंडीशन है जज करने के लिए कि ग्रुप टेबल को देख के बता सकते हैं ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए जैसा यहां देखिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है, देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं, देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, कैसे, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन आया, वन को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा आया, वन को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर आया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट वन है। मैंने आपको इनवर्स ही बताया था, इनवर्स क्या बताया था, किसी एलिमेंट ए का इनवर्स बी है, यदि ए का इनवर्स बी है तो ए का इनवर्स यदि बी है तो ए इंटू बी इक्वल टू वन हो जाना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। जरा देखिए तो ओमेगा का इनवर्स कौन है, ओमेगा स्क्वायर, वन का इनवर्स क्या है, वन, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है, ओमेगा, हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। और आपने दूसरी बात क्या नोट की, किसी भी एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए आपको फिर से वही रिजल्ट मिलता है, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करिए चाहे ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करिए आंसर वही आता है। ये है कम्यूटेटिव, ये एग्जाम्पल है कम्यूटेटिव ग्रुप का। ये कम्युनिटी ग्रुप का एग्जाम्पल है, नंबर से लाया है एग्जाम्पल को ये। अब थोड़ा सा फिर से एक क्वेश्चन पूछिए मुझसे बड़ा अच्छा सा कि सर ये तीन ऑर्डर का ग्रुप है, देखिए कितना ऑर्डर है इस ग्रुप का, ये एस मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अभी आपने मुझे बताया था किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं उसको ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है भाई, ठीक। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन फिर से आए होंगे, क्या थ्री ऑर्डर के हर ग्रुप कम्यूटेटिव होते हैं, क्या फोर ऑर्डर के हर ग्रुप कम्यूटेटिव होता है, आपने बताया ये ग्रुप तो इनफाइनाइट का है, क्या हर इनफाइनाइट ग्रुप नॉन कम्यूटेटिव होता है, इन सब के आंसर बहुत सोच समझ के देने की जरूरत है। हम इसका प्रूफ देंगे बाद में अपनी क्लास में, वो प्रूफ देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये फैक्ट ये है, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन टू थ्री फोर एंड फाइव, कोई भी ग्रुप उठाइए, यदि उसका ऑर्डर वन है मतलब उसमें केवल एक एलिमेंट है, यदि उसका ऑर्डर टू है उसमें केवल दो एलिमेंट है, यदि उसका ऑर्डर थ्री है उसमें केवल तीन एलिमेंट है, यदि उसका ऑर्डर
4 है, इसका मतलब उसमें केवल 4 एलिमेंट है, और यदि उसका ऑर्डर 5 है, ये सारे के सारे ग्रुप कम्यूटेटिव होते हैं. एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर ऑलवेज is always commutative or abelian. प्रूफ मैं आपको दूंगा, चिंता मत करिए प्रूफ की बात. ये मैंने आपको ये फैक्ट क्यों बताया, ये पूछिए आप. ये फैक्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कैटेगरी का. सबसे स्मॉलेस्ट नॉन कम्युटेटिव ग्रुप कितने ऑर्डर का हो सकता है? आपका आंसर यहां छिपा हुआ है. सबसे स्मॉलेस्ट नॉन कम्युटेटिव ग्रुप 6 ऑर्डर का होता है. 6 ऑर्डर का कम्युटेटिव ग्रुप भी हो सकता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, भी ध्यान रखिए अच्छी तरह से. मैंने कहा है इस ऑर्डर के कोई भी ग्रुप लाएंगे वो कम्युटेटिव होंगे, इस ऑर्डर के आपको नॉन कम्युटेटिव ग्रुप मिलेंगे ही नहीं. इस ऑर्डर से ज्यादा वाले ग्रुप कम्युटेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कम्युटेटिव भी हो सकते हैं. हाँ, 6 ऑर्डर का आप नॉन कम्युटेटिव ग्रुप ढूंढ के ला सकते हैं, और यह हमारे आज का बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होगा ज्योमेट्री ऑफ ग्रुप को देखते हुए इक्वेटर ट्रायंगल के लिए, जो आपके कोर्स का बड़ा अहम पार्ट है. तो मैं उस 6 ऑर्डर के नॉन कम्युटेटिव ग्रुप को आपके सामने बनाता हूं. जरा ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को. तो मैं उसको बनाने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल बना रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है. किसका? 6 ऑर्डर के, 6 ऑर्डर का एक ग्रुप जो नॉन कम्यूटेटिव है. इस ग्रुप के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर यह हमारी थ्योरी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. इसे कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप S3. इस सिमेट्रिक ग्रुप S3 को मैं आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देता हूं, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग, जो आपके कोर्स का एक अहम पार्ट है. आप किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल को लीजिए, एक खांचा बनाइए जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल फिट है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों साइड्स बराबर हैं, और इसी तरह से ये एंगल्स भी बराबर हैं. सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं और साइड्स बराबर है. ये मैंने एक खांचा खींच दिया प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल का. तो ये ग्रुप ऑफ सिमेट्री भी है, सिमेट्री ग्रुप भी कहते हैं इसको. ग्रुप ऑफ, हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं. अब हम याद करिए, हम नेचर के बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे आ रहे हैं. नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है सिमेट्री. आप किसी पौधे में लगे हुए पत्तों को देखिए, फूलों की पंखुड़ियों को देखिए, तने में लगे हुए टहनियों को देखिए, आपको हर जगह नेचर में सिमेट्री दिखाई देगी. हर जगह सिमेट्री का मतलब होता है, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी चीजें जो हैं उसमें आप एक रिफ्लेक्शन करें, चाहे कुछ पर्टिकुलर रोटेशन करें, या आप उसको रोटेशन किसी एक्सिस के अलोंग करें, आपको पुनः वही चीज फिर से प्राप्त हो जाती है. ये सिमेट्री का. और नेचर में आप परमाणु से लेकर ग्रहों तक जाइए, माइक्रो से लेकर मैक्रो तक जाइए, हर जगह सिमेट्री का यूज है. तो देखिए इसमें क्या, ये खांचा बनाया है. थोड़ी सी आपकी सुविधा के लिए मैं इन वर्टिसेस को, इस ट्रायंगल के, इस सिक्योर ट्रायंगल के इन वर्टिसेस को नाम दे देता हूं. 1, 2 एंड 3, राइट. सेंट्रोइड आपको पता है अच्छी तरह से, ये सेंट्रोइड है मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का. इस सेंट्रोइड के अलोंग अब एक खांचा बना हुआ है. बच्चों को आपने खिलौना देखा होगा, बच्चों को खांचे वाले खिलौने देखे होंगे, पर बच्चा खेलता रहता है, फिट करता रहता है. हर खांचा, कोई स्क्वायर खांचा होता है, कोई ट्रायंगुलर खांचा होता है, कोई सर्कुलर खांचा होता है, और उसको उसी तरह के छोटे छोटे खिलौने दिए होते हैं, बच्चा फिट कर रहा होता है. कभी कभी आपने बच्चे को देखा होगा कि स्क्वायर वाले टॉय को
सर्कुलर में फिट करने की कोशिश करता है जबरदस्ती, धीरे धीरे वो लर्न करता है कि वो कहाँ फिट हो रहा है। एक बार जब वो स्क्वायर को स्क्वायर में फिट कर देता है, फिर धीरे से उसके दिमाग में चलने लगता है, ये देखिए किसकी बात चल रही है, सिमेट्री की बात चल रही है, वो नेचर की सिमेट्री देख रहा है। गोल वाले को फिर वो समझ जाता है कि इसमें ये टॉय है, इनकी अलग अलग खांचे बने हैं, और धीरे धीरे आपका बच्चा लर्न करता है सिमेट्री के बारे में। यही सिमेट्री मैथमेटिकल रूप ले लेती है और ग्रुप थ्योरी का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाती है। कैसे, ये सेंट्रोइड देखिए, मैं इसमें कई चीजें कर सकता हूं, जरा बताइए, मैं सोचिए थोड़ा अच्छी तरह से। यदि मैं इस सेंटर के अलोंग खांचा बना हुआ है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को 120 डिग्री से घुमाऊं, तो क्या होगा बोलिए? 120 डिग्री से घुमाऊंगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर से उसी खांचे में फिट हो जाएगा। हाँ, होगा क्या, ये तीन नंबर वाली चीज एक पे आ जाएगी, एक वाली चीज दो पे चली जाएगी, और दो वाला वर्टिसेस तीन पे आ जाएगा। यदि मैं केवल इसको 120 डिग्री, यदि मैं इसको 120 डिग्री से कम में करूं, तो आप क्या नोट करेंगे? यदि 120 डिग्री से कम में किया तो आपको पता है ये ढांचा, उस ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो उस ढांचे में फिट ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें कौन सा रोटेशन अलाउड है? यस, 120 डिग्री का रोटेशन, फिर से आप ढांचे में फिट हो गए। तो पहला मेरे को ऑब्जेक्ट मिला, पहला एलिमेंट मेरे लिए, जिसका मैं नाम दूंगा, ये देखिएगा ध्यान से, R120। ये R120 करता क्या है? ये वन को किस पे ले जाता है? टू पर। टू को किस पे ले जाता है? थ्री पर। और थ्री को किस पे ले जाता है? वन पर। अब फिर से करिए, अब आप सोच रहे होंगे अगला मूव, अगला रोटेशन क्या होगा? जी के लॉ, R240। जैसे ही करेंगे आप, क्या होगा बताइए? वन किस पे गया? यहां नहीं, यहां आ गया, थ्री पर। टू किस पे गया? वन इस जगह से यहां पर आ गया। टू कहां गया? टू यहां आया, 120 में यहां आया, 240 में यहां आया, टू वन पर। और थ्री किस पे आया भाई? थ्री पहले यहां आया और फिर किस पे गया? टू पर। क्या देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, वन थ्री पर, टू वन पे, और थ्री टू पर। R120, R240। अब आप बोलेंगे कि सर, अब तीसरा मूव जो रोटेशन है 360 डिग्री का करें। आर 360 डिग्री करने पे क्या नोट किया? बड़ा इंटरेस्टिंग बात नोट करेंगे आप, क्या? वन वन पे ही जाएगा, टू टू पे ही जाएगा, थ्री थ्री पे ही जाएगा। देखने वाले के लिए ये हुआ कि आपका ट्रायंगल जहां था वहीं रह गया, इसका मतलब कोई मूवमेंट हुआ नहीं वैसे देखा जाए तो। इसको कई लोग ये R320 को R0 भी कहते हैं। चाहे 0 डिग्री से करिए रोटेट, माने आपने रोटेट किया ही नहीं, तो 0 डिग्री से रोटेट करना मतलब रोटेट किया ही नहीं, या 360 से रोटेट किया तो फिर से 0 डिग्री से जो आएगा वही 360 से भी आएगा। तो देखिए, मैंने आपको तीन सिमेट्री बताई अभी। किसके अलोंग सिमेट्री है ये? सेंट्रोइड के अलोंग। खांचे की बात हो रही है। अच्छा, आइए आगे बढ़िए थोड़ा सा, और सिमेट्री की बात करें। हाँ, देखिए, जैसा आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या किया मैंने, यही मेरी लाइन, इसी लाइन को आप मीडियन भी कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन की खासियत क्या होती है? हाँ, क्या होती है? किसी भी वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे खींचा हुआ मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। इस मीडियन पर आप एक मिरर रख दीजिए, रिफ्लेक्शन, ये रोटेशन, आर माने रोटेशन बोला था मैंने। अब जरा इस मिरर को रखिए यहां पर, और इस मिरर के अलोंग रिफ्लेक्शन देखिए क्या होगा बोलिए। थ्री का रिफ्लेक्शन थ्री पे ही होगा, वन का टू पे होगा, टू किस पे आ जाएगा? वन पर। इंटरेस्टिंग, रिफ्लेक्शन अलोंग मीडियन नंबर वन। क्या रिफ्लेक्शन है भाई? RF, मैंने RF कहां से जा रहा है? मीडियन थ्री से जा रहा है, इसका नाम मैंने RF3 रखा। व्हाट इज थ्री से जा रहा? क्या काम कर रहा है बताइए, क्या कर रहा है? वन को किस पे ले जाता है? टू पर। और टू को किस पे ले जाता है? वन पर। और थ्री को किस पे रखता है? थ्री पर। आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चेंज होगा रिफ्लेक्शन में।
दूसरा रिफ्लेक्शन किसके अलोंग ले सकते हैं, आप समझ गए होंगे अब, RF2 ये वाला मीडियम, यस आ रहा है 3-1 पर और 1-3 पर, 1-3 पे गया, 2-2 पे गया और 3-1 पे गया, और एक पार्ट और बचा, ये वाला मीडियम RF1 ये क्या काम करता है, 1 को 1 पे, 2 को 3 पर और 3 को 2 पर, कैसा लगा आपको, देखिए जैसा रोटेशन रिफ्लेक्शन, क्या इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और कोई सिमेट्री है बताइए, आपको अच्छे से पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन एल्टीट्यूड ये सब के सब एक ही लाइन होती हैं, ऑर्थो सेंटर इन सेंटर सर्कम सेंटर ये सब के सब एक ही होते हैं सेंट्रोइड की जगह, तो जरा ध्यान से यदि आप देखेंगे मैंने सारी सिमेट्री का यूज कर लिया है, मैंने सारी सिमेट्री का यूज कर लिया, इस फिगर के साथ में केवल 6 सिमेट्री पॉसिबल है, कौन सी 6 सिमेट्री पॉसिबल है ध्यान से देखिए, 3 रोटेशन, एक को आप 0 रोटेशन कहें चाहे 360 कहें, और 3 रिफ्लेक्शन जिनको मैंने ये नाम दिया है, राइट क्यों ना हम फिर से ग्रुप टेबल की ओर जाएं वापस, फिर से ग्रुप टेबल वापस जाए, हम एक ऑपरेशन के बाद में दूसरी ऑपरेशन रखा नहीं, क्या कहें मैं आपको समझा रहा हूं, ये ग्रुप टेबल आपको भरनी है घर में जाकर, और बड़े इंटरेस्टिंग है इस ग्रुप टेबल के ऊपर हम कई गेम खेलेंगे, हम ऑपरेशन कैसे डिफाइन करेंगे मैं अभी आपको बताता हूं, पहले आप यहां लिख लीजिए आर नॉट है ये, R120 R360 RF1 RF2 RF3 आर नॉट R120 R360 RF1 RF2 RF3 जरा नोट करिए अच्छे से, मुझे पहले ध्यान से बताइए मैं कैसे ऑपरेशन लगा रहा हूं, मैं पहले रोटेट करना चाहता हूं और फिर मान लो मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, मतलब मैंने ऐसे लगाया, देखिए कैसे लगाया, पहले मैंने किया रोटेशन, इसके बाद इसको कंपोजिशन का साइन कहते हैं, इसके बाद मैंने लगाया रिफ्लेक्शन 1, ये ऐसे लिखूंगा मैं, नोटेशन है ये, कंपोजिशन का नोटेशन है ऑपरेशन, तो यहां हमारी ऑपरेशन कंपोजिशन की है, उस ओ से दिखाते हैं स्मॉल ओ से कंपोजिशन, रोटेशन लगाओ पहले 0 डिग्री से, रोटेशन क्या करता है बोलो, हाँ 1 को 1 पे, 2 को 2 पर, 3 को 3 पर, जब ये कर लिया तो अब लगाइए क्या, रिफ्लेक्शन लगाइए, रिफ्लेक्शन 1 क्या करता है बोलिए, 1 को 1 पे किया रोटेशन ने, फिर 1 को 1 पे किया किसने, या देखिए क्या आ रहा है, क्या हो रहा है देखिए जरा ध्यान से, RF1 ऑफ R0 क्या कर रहा है, 1 के साथ क्या कर रहा है, पहले 1 को 1 पर और RFN1 उस 1 को फिर 1 पे ले जाता है, ये लिख दिया जी, हाँ 2 के साथ क्या कर रहा है बोलिए, R0 2 को 2 पर, फिर RFN 2 को क्या करता है, 2 को 3 पर, 3 के साथ क्या हो रहा है, R0 3 को 3 पर और RFN 3 को कहां ले जा रहा है, देखिए 3 को 2 पर, क्या इंटरेस्टिंग बात नोट किया आपने, अरे ये तो वही आ गया, क्या आ गया, जो नई चीज आई है कुछ नहीं तो हम पहले से जानते हैं, क्या चीज है ये, RF1, तो R0 को यदि RFN पे लगाया तो RFN ही आया, R0 को RFN पे लगाया तो RFN ही आया, और आप नोट करेंगे, आप करिए घर में जाके चेक करेंगे तो क्या करेंगे, R0 को R0 पे लगाऊंगा R0 ही आएगा, इस पे लगाऊंगा तो R20 आएगा, इस पे लगाऊंगा ओ सॉरी 240 है,
इस पे लगाऊंगा तो 240 आएगा, आर एफ टू आएगा, आर एफ थ्री आएगा, इस आर नोट को इस आर नोट पे लगाऊंगा आर आर नोट ही आएगा, आर नोट को आर 120 पे लगाऊंगा 240 है, आर 120 पे लगाऊंगा तो आर 120 आएगा, आर 240 आएगा, आर एफ वन ही आएगा, आर एफ टू आएगा, आर एफ थ्री आएगा। क्या कहा था मैंने ऐसे एलिमेंट को, क्या कहा था याद करिए, किसी एलिमेंट को जब किसी एलिमेंट पे लगाते हैं पुनः वही एलिमेंट प्राप्त हो, क्या कहा था उसको, आइडेंटिटी कहा था। इसका मतलब आर नॉट आइडेंटिटी है। अब आप पूछ रहे होंगे मुझसे कि सर ये बताइए कि किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या हो सकता है, जरा इंटरेस्टिंग बात नोट करें, जरा इनवर्स की बात भी करें। मैं आपको सारा पूरा टेबल भर के नहीं दिखाऊंगा, पर एक जगह इनवर्स देखने की कोशिश करें, कहां देखें, चलिए उठाइए आर 120 का इनवर्स क्या होगा, हम देखना चाहते हैं। आर 120 क्या काम करता है याद करिए, आर 120 क्या काम करता है, 1 को 2 पर, 2 को 3 पर और 3 को 1 पे ले जाता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, मुझे एक ऐसे एलिमेंट से यहां कंपोज करना है जिसको लगाऊं यदि आर 20 पर तो आर नॉट आ जाए, आर जीरो आ जाए, ये वाला। कैसे आएगा बताइए, 1 2 पे गया, 2 फिर से 1 पे जाना चाहिए, क्या कहीं हो रहा है, 2 1 पे कहीं जा रहा है क्या, या देखिए तो कहां जा रहा है, देखें क्या ये कैंडिडेट, अभी देखिए अभी कुछ नहीं, अभी तो हमने एक ही को चेक किया है, देखें क्या ये कैंडिडेट बनता है, नोट करें जरा सा, आर 20 को 1 पे लगाया तो 2 आया और फिर उस पर आर एफ 3 लगाया तो 2 1 पे चला गया, बहुत अच्छा। आर 20 को 2 पे लगाया तो 3 आया और आर एफ 3 को 3 पे लगाया तो भी 3 आया, नहीं फिर ये एग्जाम्पल हमारे काम में नहीं आया, तो कौन सा एग्जाम्पल है भाई, ये एग्जाम्पल तो काम में आया ही नहीं, ये फेल कर गया, 2 पे 2 ही आना चाहिए था, आपको तो 3 आ रहा है। दूसरा कैंडिडेट फिर से ढूंढे, दूसरा कैंडिडेट हमें क्या मिल रहा है आर 20 के लिए, आर 20 का इनवर्स कहां पर मिल रहा है, दूसरा कैंडिडेट हमें कहां मिल रहा है, या ध्यान से देखिए आर 240 पर आइए, फिर से देखिए इस पर, आर 20 पर 1 पे लगाया 2 आया, 2 पे लगाया 1 आया, वेरी गुड, 2 पर लगाया आर 20 तो 3 आया और 3 पे लगाया तो 2 आया, ओह इंटरेस्टिंग, पहुंच गए भाई लगता है हम, आर 20 को जब 3 पे लगाया तो 1 आया और 1 पर जब आर 240 लगाया तो 3 आया, ओह दैट्स मैजिक। ये लीजिए क्या मिल गया आपको, तो मैंने आपको दिखाया आर 20 को यदि आर 240 से कंपोज करें तो आपको क्या मिलता है, आर नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, आर 120 का इनवर्स क्या है, आर 240 है। अब घर में जाकर आपको इस पूरी टेबल को भरना है आराम के साथ में बैठकर, इस पूरी टेबल को आप अगली क्लास में भर के लाएंगे, अगली क्लास में हम आपको टेबल का एक चार्ट दिखाएंगे, इस टेबल को भरना है, आपको हर एलिमेंट का एक इनवर्स एलिमेंट मिलेगा, आपको हर एलिमेंट से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसी सेट के अंदर का एलिमेंट मिलेगा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप ये नोट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, और दूसरी बात हम जो इंपॉर्टेंट नोट करना चाहते हैं, क्या ये ग्रुप नॉन कम्यूटेटिव है, आंसर हमारा भी है, क्या ये नॉन कम्यूटेटिव है, देखें जरा सा, जैसा हम इसको फिर से नजरें घुमाए थे, हम कोई दो एलिमेंट चूज करते हैं, आइए किसको चूज करते हैं, हम एक आर एफ टू को कंपोज करते हैं आर 120 से, क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, आर 121 को किस पे ले जाता है, 2 पर, आर एफ 22 को किस पे ले जाता है, 2 पर, तो 1 2 पे गया, आर 20 क्या करता है भाई, 2 को कहां ले जाता है, 3 पर, और आर एफ 23 को कहां ले जाता है, 1 पर, 2 1 पर,
R123 को किस पे ले जाता है, 1 पर, और ये 1 को कहां ले जाता है, 3 पर। क्या आया ये कौन सा वाला है याद करो, 1 2 2 1 3 1, ये RF3 आ गया। अब जरा घुमाइए, पहले RF2 लगाइए आप और उसके बाद R20 लगाइए, क्या होता है देखें जरा सा। RF2 क्या करता है, 1 को किस पे ले जाता है, 3 पर, और R123 को किस पे ले जाता है, 1 पर। RF22 को किस पे ले जाता है, 2 पर। R22 को किस पे ले जाता है, 3 पर। RF23 को किस पे ले जाता है, 1 पर, और R121 को किस पे ले जाता है, 2 पर। इंटरेस्टिंग क्या है बनावी, क्या है ये, कहां पर है ये चीज, देखिए जैसा क्या है ये, RF1 है, देखिए क्या किया आपने, क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, यदि मैं RF2 को पहले R20 लगाऊं फिर RF2 लगाऊं तो आंसर ये आता है, मैं इनका ऑर्डर चेंज करता हूं तो आंसर बदल जाता है। इसका मतलब क्या दिखा दिया आपने, हाँ आप जानते हैं आपने क्या दिखा दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बराबर नहीं होता है, यही मैंने कहा था आपसे, यदि किसी भी ग्रुप में दो मिल जाए एलिमेंट जिनके ऑर्डर बदलने पर प्रोडक्ट सेम नहीं आता है तो वो ग्रुप हमेशा नॉन कम्यूटेटिव होता है। ये एग्जाम्पल मिला आपको किसका, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। ये सबसे स्मॉलेस्ट नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप इस यूनिवर्स में पॉसिबल है ग्रुप थ्योरी के, इससे छोटे ऑर्डर वाला ग्रुप नॉन कम्यूटेटिव हो ही नहीं सकता। फैक्ट याद करिए जो हमने लिखा था, इससे बड़े वाले कम्यूटेटिव नॉन कम्यूटेटिव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं। सबसे छोटा नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप 6 एलिमेंट का होता है, उसका यह सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कहां से आया बताइए, सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, लिटरेचर में इसको S3 से दिखाते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है, ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ 3 एलिमेंट्स भी कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप S3 भी कहते हैं इसे। अब आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है लास्ट में जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है। अब मैं बताता हूं, एक खांचा बनाइए आइसोस्केलिस ट्रायंगल का, सम द्विबाहु त्रिभुज का जिसके दो साइड्स इक्वल हो, खांचा बनाइए जी अपने प्लेन में, सम द्विबाहु त्रिभुज का खांचा बनाइए, याद करिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये दो साइड भर इसमें बराबर है, यदि दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, और ये साइड इन साइड के बराबर नहीं है, तो ये ऐसा ट्राइंगल है जो समद्विबाहु है पर समबाहु नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है। अब मुझे इस ट्राइंगल के सिमेट्रीज बता दीजिए, क्या क्या सिमेट्री पॉसिबल है, ये आपका होमवर्क है आज के लिए, फाइंड All symmetries of this triangle, जिसको आपने कहा था, this triangle means isosceles triangle, इसकी सारी symmetry बताइए। जाते जाते मैं आपको एक सिमेट्री देके जाता हूं जो हर एक को दिखाई दे रही है, किसी भी छोटे से बच्चे से ही पूछेंगे जिसने ज्यामिति पढ़ी है वो ही बताएगा कि मिरर कहां रखें। तो आपको पता है यदि मैं ये मीडियन खींचूं इस वर्टेक्स से, ये सिमेट्री है, यहां मिरर रख दूं तो क्या होगा, हाँ बोलो हमारी लैंग्वेज में क्या होगा, 1 किस पे जाएगा, 2 पर, 2 किस पे जाएगा, 1 पर, और 3 किस पे जाएगा, 3 पर। रिफ्लेक्शन है ये, कौन सा रिफ्लेक्शन है हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी लैंग्वेज के अनुसार, कौन सा रिफ्लेक्शन है, हाँ RF3 नाम दिया था मैंने इसको, RF1 पॉसिबल ही नहीं है,
आप जब मीडियन खींचेंगे तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए ना, यहां से जब लाइन खींचेंगे आप, इस पर सिमेट्रिकल नहीं है, फ्लिपिंग नहीं है पॉसिबल। यहां से लाइन खींचेंगे तब भी फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, एंगल बदल गया। कौन सी सिमेट्री होगी? रोटेशन है क्या? आर जीरो है, आर जीरो का मतलब होता है जीरो वन वन पर, टू टू पर, बता आपने घुमाया ही नहीं। पर क्या कोई रोटेशन और भी रोटेशन की सिमेट्री पॉसिबल है? क्या रिफ्लेक्शन की कोई सिमेट्री पॉसिबल है? क्या इसमें केवल दो ही एलिमेंट है, आर नॉट और आर एफ थ्री? बस ये दो एलिमेंट से बन जाएगा ये ग्रुप खत्म, तो ये दो एलिमेंट का ग्रुप हुआ। क्या ये सही है? इसका आपको जवाब देना है, और मैं ये आशा करता हूं कि अगले लेक्चर में आप इस जवाब के साथ आएंगे।